जेईई मेंस के स्कोर से आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, जिनमें से कुछ के नाम मैं आज बताऊंगा जिसके लिए स्पेसिफिक काउंसलिंग होती है, जिसका नाम है UPSEE काउंसलिंग, जिसमें टोटल 6 राउंड्स होते हैं जो कि जनरल होते हैं और बाकी 2 से 3 स्पॉट के राउंड भी होते हैं कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। ऑब्वियसली जब डेट्स वगैरह आएगी तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, उस पे आपको भी वहां पे डिटेल जानकारी मिलेगी, क्या कट ऑफ गई थी, कितना क्या हुआ है, सारी चीजें वहां पे भी आपको देखने को मिल रही होगी। नंबर पे जो कॉलेज आता है ऑब्वियसली अपना IIT लखनऊ। IIT लखनऊ अपना यूपी के अंदर UPSEE काउंसलिंग से मिलने वाला टॉप का कॉलेज है। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो CSE जो मिली थी राउंड 4, 4 राउंड्स हुए थे जनरल, उसके अंदर लगभग 50,000 के आसपास आपको वहां पे CSE मिली थी, 50,000 रैंक के आसपास। आप डिटेल्ड कट ऑफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप वेबसाइट विजिट करोगे, डिटेल में आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल रही होगी। हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पे गया था वो 34 लाख पर एनम जो कि जीटा नाम के कंपनी में दिया था, अमेजॉन जैसी कंपनियां भी यहाँ पे आती है, एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख पर एनम यहाँ पे रहता है, ये चीज आप समझो। और IIT लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी चीज है। IIT लखनऊ बहुत भयानक चीज है, ये बात दोस्त आप मान लो, ठीक है। दूसरे नंबर की बात मैं करता हूँ जो कि KNIT सुल्तानपुर है। KNIT सुल्तानपुर की भी CSE अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास गई थी। ऐसा है कि आप अगर होम स्टेट से हो या फिर आउटसाइड से हो तो आउटसाइड वालों को ही ज़्यादा फायदा मिल जाता है यूपी में। ये कुछ छोटी सी चीज़ है जो कि आपको पकड़नी होगी, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूपी के अंदर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब बिहार की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह भी, तो यही चीज़ है। नॉर्थ के अंदर थोड़ी सी समस्या है, लेकिन आप इसके साथ कोऑपरेट करो, इसके साथ आपको जीना सीखना होगा। हाईएस्ट प्लेसमेंट KNIT सुल्तानपुर के अंदर 2020-21 बैच के अंदर 5.5 लाख पर एनम गई थी, 5.5 लाख पर एनम, एंड मीडियम पैकेज 3.9 लाख पर एनम यहाँ पर गई थी, ठीक है। ये चीज़ KNIT सुल्तानपुर के अंदर रहती है। BIET झांसी, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत शानदार है, इसकी CSE भी अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास गई थी। डिटेल्ड कट ऑफ होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वेबसाइट विजिट करोगे डिटेल में सारा कट ऑफ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज 6.1 LPA यहाँ पे भी गई है, मीडियम 4 LPA के आसपास यहाँ पे भी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत लाजवाब है दोस्त, ठीक है। चौथे नंबर कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो AITH कानपुर। AITH कानपुर जो है यहाँ पे CSE आपको 70,000 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि डिसेंट है मैं कहता हूँ। और अगर स्पॉट के अंदर आप जाते हो, थोड़ा सा नीचे जाते हो, यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास भी आपको CSE यहाँ पे मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज 7 लाख पर एनम और मीडियम 3.1 लाख पर एनम के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है AITH कानपुर के अंदर। इसकी बहुत खास बात है, AITH कानपुर जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही शानदार सा कॉलेज है। और ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ हैंडीकैप्ड एडमिशन नहीं ले सकते, यहाँ पे एक जनरल कोटा भी होता है, वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हो, सिंस उसके लिए सीट्स कम होती है क्योंकि ये कॉलेज स्पेसिफिक उन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। REC बांदा की मैं बात करता हूँ, REC बांदा के अंदर IT ब्रांच आपको 80,000 के अप्रोक्सीमेटली में मिल जाएगा। हाइएस्ट पैकेज 4.2 LPA, मीडियम पैकेज 2.2 LPA। सिंस सरकार ने 7 से 8 REC के कॉलेजेस बनाए थे और वो भी बहुत ग्रोइंग फेज में, मैं कहता हूँ कि वो कॉलेजेस जो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो करेगी, जिनमें REC बांदा नंबर 1 पे, मैनपुरी हो गया, आजमगढ़ वगैरह, ये सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये कॉलेज उनमें से एक है, ठीक है। 6th नंबर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी को मैंने रखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी CSE यहाँ पे 1,35,000 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगी, इनफैक्ट इससे ऊपर भी मिलेगी आपको, ऊपर कहने का मतलब कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक भी आपको यहाँ पे CSE मिल सकती है। लेकिन यार लखनऊ यूनिवर्सिटी में CSE इससे बढ़िया आप थोड़ा सा ऊपर जाके आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो, ECE ले सकते हो, ये मेरा मानना है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 8.5 LPA, मीडियम पैकेज 4.7 LPA के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक कॉलेज है मेरे हिसाब से, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, उस कैटेगरी में आता है। एंड 7th नंबर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको CSE 1,69,000 के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती है। यहाँ का जो मीडियम पैकेज है वो 3.6 LPA के अप्रॉक्स में रहता है और ये ठीक ठाक है यार। 8th नंबर एंड द लास्ट वन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, दैट इज MJPRU।
महात्मा ज्योतिबाई फुले यूनिवर्सिटी करके है एक। और इस कॉलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको एडमिशन बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, उतना बढ़िया नहीं है, कटअप भी उतनी ज़्यादा एज सच नहीं है, ठीक है, सीट्स खाली रह जाती है, एडमिशन आपको मिल जाता है, इस तरीके का सीन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये थी, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको, वहां से आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, 1200 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। तो कॉलेजेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस आपको चुनना है, ये टॉप 5, 6, 7 अगर मिल जाता है तो बहुत सही, नहीं तो हमें इससे नीचे नहीं जाना है, इस बात को आपको समझना होगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ किसी न किसी स्टेट में आपको टॉप 5 में तो पक्का दिला दूंगा, ये आप ध्यान रखना, आपके रैंक से मुझे मतलब नहीं।